टाइम एंड वर्क के अगले 10 क्वेश्चन करवाएंगे। नंबर 1, 21 जिल्दे साज, चौदह सौ पुस्तकें, 15 दिन, 1 दिन में तैयार कर सकते हैं, 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। 800 पुस्तकों को 20 दिन में तैयार करने के लिए 800 पुस्तकों को 20 दिन तैयार करने के लिए कितने जल्द साज चाहिए? सुनो, फॉर्मूला वही पुराना, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू। एम कितना दिया हुआ है? 21। डब्ल्यू कार्य हमेशा नीचे आता है, 14। कार्य हमेशा नीचे आता है, कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। 800 पुस्तकें, 800 पुस्तकें को 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जल्द साज चाहिए? जल्द साज इसको इससे काट दो, ठीक। 7 तारीख 21, 7 दूनी 14, ये 2 6 8, नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर, और नीचे ऊपर ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ठीक। 4 5 20, 5 3 15, जल्द साज इसको लो, 7 3 21, 21 जल्द साज चाहिए। कुछ गड़बड़ हुआ है, किस दिन के साथ नहीं चाहिए? सब 14, अरे यार ये 3 है, सॉरी सही गड्ढन दिए, 7 14, 7 3 21, ये 3 आएगा। अब 3 का 3 से गुणा कर दो, 15, 3 3 9, मतलब गलत लिख दिया था, कटन जीरो सही किया है, बस गलत लिखा गया, आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। जल्द साज, 9 जल्द साज चाहिए। किसी कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, 21 दिया है, 1400 किताबें, चौका कार्य जो होता है वो हमेशा नीचे रखते हैं, कार्य को हमेशा ही नीचे रखते हैं, उसके बाद कटन जीरो खेलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, साठ आदमी 14 दिन में 180 किग्रा चावल खाते हैं, 280
किग्रा किलोग्राम, किग्रा को पढ़ते हैं किलोग्राम, चावल उपभोग करते हैं। 30 आदमी कितने दिन में, 30 आदमी कितने दिन में 120 किग्रा चावल उपभोग कर सकेंगे। 120 किग्रा चावल उपभोग कर सकेंगे। फिर वही को मिला अंदर से बंद कर दो। 60 आदमी 14 दिन और कितना खा चावल सब उपभोग कर रहे हैं, 280 इक्वल टू 30 आदमी 120 किग्रा चावल कितने दिन में उपभोग करेंगे। इसको यहां से काट दो, 14 दूनी 28, 30 दूना 60, 2 एक कम 2, एक्स बराबर कितना बचा, 12 दिन। कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो, 60 आदमी यहाँ दिया है, 60 आदमी 14 दिन में 280 किग्रा 280 किग्रा चावल खा सकते हो, का उपभोग कर सकते हैं। 30 आदमी 120 दिन में कितने चावल का उपभोग करेंगे, 30 आदमी 120 किग्रा चावल उपभोग कितने दिन में करेंगे। खत्म, 0 14 दूनी 28 का 0 0 से 0 कट गया, ये 30 दूनी 60, 2 से 2 कट गया, इस पर 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 बड़े 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 12 बड़ाई प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में 24 दिन में 460 कुर्सी या बनाते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, दिन में कितनी कुर्सी या बनाएंगे। 12 बड़े MBH upon W एमडीएच पा मसाला से एमडीएच अपना लग लो 12 बड़े 12 प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में कितनी कुर्सियां बना रहे हैं, 460
इज इक्वल टू ठीक 18 बढ़े प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे चेयर ठीक। अब कर्टन जीरो खेलना है छक्का 36 8 त्रिक 24 छ दुनी 12 ठीक 3 छके 18। अभी और कुछ करने वाला और 3 3। अब 3 का गुणा किसी का नाम हमेशा तिरछा गुणा होता है चेयर स्कॉल डो ऊपर तो कुछ बचा नहीं यहाँ बचा 3 0 3 छके 18 3 छको 12 1 13 1380 कुर्सियाँ 1380 कुर्सियाँ 18 बढ़ाई प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 दिनों में 1380 कुर्सी बनाएंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सात आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उससे दोगुना कार्य को दो गुना कार को 8 दिन में पूरा करने के लिए और कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए। कार को क्या दिन में पूरा करना है 8 दिन में पूरा करने के लिए अतिरिक्त कितने आदमी चाहिए। सात आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। 7 × 12 काम कितना है? कोई भी काम मान लो काम 1 है उसका 2 गुना कार्य कितना है 2 गुना 1 का 2 गुना 2 होगा। कार्य 8 दिन में 8 दिन में पूरा करने के लिए अतिरिक्त और कितने आदमी चाहिए यानी x − 7। 7 तो पहले से हमको दिए हुए हैं, 7 आदमी पहले से दिए हैं लेकिन अभी टोटल हमारे पास 8 दिन में काम को पूरा 7 आदमी है तो 12 दिन में पूर्ण कर रहे हैं इसी काम को 2 गुना काम उनको दिया गया है और 8 दिन में पूरा करना है और 7 आदमी पहले से कर रहे हैं और कितने अतिरिक्त लगाने होंगे तो अतिरिक्त आदमी होगा यहाँ से कर्तन भी हो फिर 2 4 4 3 12 3 यहाँ हो गया x − 7 = 7 = 21 x बराबर ये 7 इधर आएगा 21 − 21 + 7 = 28 हो जाएगा।
सॉरी सॉरी सॉरी, वन मिनट। सात आदमी यहाँ पहले से दिए हुए हैं, सात आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। मान लो काम एक है, इसको दो दो, उसके दो गुना, उससे दो गुने कार्य को पूरा करने के लिए 8 आदमी, 7 + x, ठीक, दो गुना कार्य करना है 8 घंटे में, 8 दिन में पूरा करने के लिए दो गुना कार्य, 4 कट्टम 0 खेलना है, और 4 × 3 = 12, 3 × 21, 21 = x + 7। 7 तो पहले से हैं, और अतिरिक्त कितने लगाए जाएं कि ये काम 8 दिन में पूरा हो जाए। 7 आदमी हमारे पास पहले से काम कर रहे हैं, और अतिरिक्त कितने आदमी जोड़े जाएं इसमें, तो जोड़ा जाएगा ना, अतिरिक्त जब भी है तो जोड़ा जाएगा, तो कितने लोग हो जाएंगे, x − 21 − 7, x = 14, 14 आदमी अगर हम और जोड़े। एक ये तरीका है, एक दूसरा तरीका डायरेक्ट निकालने का, 7 × 12 = 7 × 18, 8। यहाँ एक काम है, यहाँ दो काम है, दो गुना काम कर रहा है, तो ये देखो, ठीक, 4 × 3 = 12, x = 21, तो 21 है टोटल आदमी। 8 दिन में अगर काम को खत्म करना है तो 21 आदमी टोटल काम कर रहे हैं, लेकिन 7 आदमी इसमें पहले से काम कर रहे हैं, तो 21 में से अगर 7 हम घटा देंगे तो फिर वही आएगा 14 आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, 18 व्यक्ति प्रतिदिन दिन 6 घंटे कार्य करके करके एक सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं, एक सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े, इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 27 दिन में बनाने के लिए, 27 दिन में बनाने के लिए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी,
काम कितने व्यक्ति कर रहे हैं? 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक सभा भवन को 30 दिन में, कितनी सभा भवन है? एक सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। इसी सभा भवन की तुलना में 16 गुना पड़े, एक का 16 गुना कितना होगा? 16। 16 गुना बनाने सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, 6 घंटे कार्य करके 27 दिन में कितने व्यक्ति बना सकते हैं? व्यक्तियों की संख्या एक्स। ठीक, 6 से 6, 3 से काटो, 3 दहम 23, 3 नवम 27, 9 दूना 18, कट गया, 9 दूना 18, 16 दूना 32, 10 ये 2 ये, 16 दूना 32, ठीक, 320 व्यक्ति, 320 व्यक्ति 16 गुना बड़े सभा भवन को 27 दिन में 6 घंटे कार्य करके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पूछना हो तो कोई कुछ पूछ सकता है, किसी को कुछ पूछना? क्वेश्चन है, 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं। 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके, 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? आठ पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को, 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिनों पूरा करते हैं। उसी काम को 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? नौटी 72, 9 ठी 72 और 72 2 4, 7 2 14, 140, 144 बड़े 7x, एक्स कर दो, 144 बटे 7 7 2 14, 20 सही, 4/7 समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लग जाएगा। 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेगा। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? 90 मान लो 100 व्यक्ति 90 दिन में काम कर रहा है, 90 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। 10 व्यक्ति इसमें से 15 व्यक्ति कम हो रहे हैं, कम एक्स माइनस दस सॉरी 15 व्यक्ति कम हो गए। अब काम कितने दिन चलेगा? यहाँ 90 दिन चल रहा था, 10 दिन और चलेगा, यानी गुणे में 100, ठीक। इसको 0 को 0 से काट दिया, यहाँ कितना बचा? 9x इसको 10x माइनस 150, ठीक। ये x है 10x माइनस 10x में 9x घटेगा, कितना बचेगा? x बराबर 150। आरंभ में कितने व्यक्ति लगे थे? 150 व्यक्ति। आरंभ में 150 व्यक्ति लगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की भाषा को समझो, क्वेश्चन को रटोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने में सही दिक्कत आएगी। क्वेश्चन की भाषा को समझो, अगर भाषा को समझ में आ गई तो क्वेश्चन कैसा भी है तोड़ मरोड़ के फिर कर लोगे। किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता है, किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता है, किंतु 3 श्रमिकों की अनुपस्थित होने के कारण, किंतु 3 श्रमिक अनुपस्थित होने के कारण या कार चौबीस दिन में समाप्त हुआ। आरंभ में कितने श्रमिक थे? 9 श्रमिकों की संख्या कुछ श्रमिक किसी कार्य को 22 दिन में पूरा करते हैं। सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले क्वेश्चन बताया, उसका सेम क्वेश्चन 22 दिन में पूरा कर रहा है।
किंतु उसी कार्य को तीन श्रमिक अनुपस्थित होने के कारण x माइनस थ्री अनुपस्थित होने के कारण उसी कार्य को 24 दिन है। अब 24 दिन अगर तीन श्रमिक अनुपस्थित रहते हैं, कुछ श्रमिक हैं जो 22 दिन में पूरा कर ले रहे हैं, लेकिन उसमें से तीन श्रमिक अनुपस्थित हैं जिसके कारण अब दिन कितना लग रहा है, 22 की बजाय 24 लग रहा है, दो दिन और बढ़ गया, तीन श्रमिक कम हुए तो 24 दिन बढ़ लग गया, 11 दिन 22 12 दिन 24 x 11x = 12x - 12 = 36 12x - 36 12 = 36 x = इधर आएगा माइनस का हो जाएगा x = 36। आरंभ में कुल कितने सैनिक थे, श्रमिक थे, आरंभ में श्रमिकों की संख्या 36 थी। इससे ज्यादा आसान तरीके से कोई आपको मैथ नहीं पढ़ाएगा, बहुत आसान तरीका है। अब आपको समझना है कि आप कितने आसान तरीके से समझ सकते हैं। 8 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो दो लाइन में खत्म हो रहा है, इससे ज्यादा आसान तरीका मुझे नहीं लगता है कि कोई और भी पढ़ाएगा। 6 समान मशीनें एक निश्चित साल से 1 मिनट में 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से एक मिनट में 270 मोटर बनाती हैं। इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीनें तो इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीनें चार मिनट में 3 बोतल बनाएंगी। छह मशीन समान चाल से एक निश्चित साल से 1 मिनट में 270 बोतल बनाती हैं। मशीन 1 मिनट में काम हमेशा नीचे रहता है 270 बोतल बनाती है। तो इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतल बनाएंगे। दो तीन सती नौ नब्बे नौ दिनों 1800 बोतल बनाएंगे। छह को यहां से काटेंगे ठीक है, 3 और 27 90 9 दुना 18 9 180 1800 बोतल बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है,
छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का भोजन सामग्री है। किसी छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री ग्रीन है। दस दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है। 200 व्यक्ति हैं, इनके लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है। लेकिन 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो ये 10 दिन बाद आ रहे हैं ना, 10 दिनों तक ये 200 व्यक्ति 10 दिनों तक तो पूरा भोजन किया है। तो जब 10 दिनों तक भोजन कर लिए तो बचा कितना? 10 दिन। टोटल 30 दिन का तो भोजन था, टोटल 30 दिन का भोजन था, उसमें से 10 दिन तो कर चुके हैं। अब 20 दिन का भोजन बचा है, 200 व्यक्ति होगा। 200 × 20 = आए कितने हैं? 50 व्यक्ति। अब 200 व्यक्ति तो पहले से थे, 50 व्यक्ति और आ गए, अब कितना हो गया? 250, 250। अब ये भोजन सामग्री कितने दिन चलेगा? पहले 200 व्यक्ति खाते तो 20 दिन में ये खत्म हो जाता, क्योंकि 30 दिन का था, 10 दिन खा चुके हैं, 20 दिन बचा हुआ है। ठीक, अब इसमें 50 व्यक्ति और आ गए, 50 व्यक्ति, तो अब 250 हो गया। अब इसमें कट्टम जीरो करना है, 25 × 8 = 200 × 16 = 16 दिन। अब ये भोजन सामग्री जो है वो केवल 16 दिन की है, मतलब 200 व्यक्ति खाते तो ये भोजन सामग्री 20 दिन चलती, लेकिन अब 250 व्यक्ति खाएंगे तो ये भोजन सामग्री 16 दिन चलेगी। ठीक, समझ में आया? आज मैंने 10 क्वेश्चन ही बताए हैं आप लोगों को, नेक्स्ट अगली क्लास में बताएंगे। कि आज मेरी थोड़ी तबीयत भी चाहिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।